इंस्टाग्राम पे, जब मेरे इंस्टाग्राम पे अरविंद डॉट अरोरा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं उस पे फैक्ट वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस डाला करता था। इसके पहले भी मैं छोटी वीडियोस बनाया करता था और मेरा मकसद सिर्फ एक था, मैं अच्छी वीडियोस बनाऊं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाऊं जो आप मेरे चैनल पे देखते हो। फैक्ट वीडियोस बनाऊं और फैक्ट का मतलब इटसेल्फ एक मोटिवेशन होता है जो आपके माइंड को मोटिवेट करता है। फैक्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे हो। और मैंने सोचा कि जब इतना केओस मचा हुआ है पूरी दुनिया में तो शायद मेरे छोटे छोटे वीडियोस लोगों को हिम्मत दें, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। इस मकसद से मैंने 9 से 10 महीने पहले छोटे वीडियोस बनाने शुरू किए थे और 9 महीने पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कुछ 15 या 12 हजार फॉलोवर्स होंगे, 12-15 हजार मैक्स फॉलोवर्स थे। उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी कि मुझे शाउट आउट चाहिए, मुझे शाउट आउट चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं सोसाइटी में लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। मैं कैसा मूवमेंट चला रहा हूं, मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूं, फैक्ट वीडियोस बनाता हूं ताकि लोग अपनी जिंदगी बदल सके जैसे मैं अपनी जिंदगी बदल पाया हूं और बदल रहा हूं। मैंने लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत लोग मना करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने से ज्यादा जिसके फॉलोवर्स होते हैं वो कभी आपकी हेल्प नहीं करता। मैंने बोला कि मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए प्लीज मुझे शाउट आउट दो। बहुत हम लोग हेल्प करते हैं, बहुत हम लोग, उसमें से एक बंदा है समीर, समीर का नाम लेना चाहता हूं, उसने मेरी बहुत हेल्प करी, उसने मेरे शाउट आउट दिया। ही हैज अ मिलियन फॉलोवर्स, उस टाइम पे शायद मैं बहुत कम फॉलोवर्स मेरे थे, सो ही हेल्प भी, बहुत बड़ा दिल चाहिए इस चीज के लिए। इस वक्त मैं किसी के पास गया इंस्टाग्राम में शाउट आउट मांगने के लिए। मुझे मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन वीडियोस, फैक्ट वीडियोस बनाता हूं, मोटिवेट करता हूं, बच्चों को बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। मैंने बोला कि मुझे मैं फैक्ट वीडियोस बनाता हूं, मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूं, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल को एक बार मुझे उसको पब्लिसाइज करने दो। रिक्वेस्ट की मैंने कि उसको पब्लिसाइज करने दो, उन्होंने मना कर दिया। मना करना बड़ी बात नहीं, मैंने बहुत लोगों से मना सुना, कोई बड़ी बात नहीं है। सेलिब्रिटीज शायद काफी लोग जवाब नहीं देते और जो लोग जवाब देते हैं वो मना ही करते हैं, क्योंकि हर कोई आपको अपना स्टेज नहीं देगा, दैट्स फाइन, बुरी बात नहीं है, मना कर रहे हैं वहां से, सौ मना, लाख मना, हजार मना, बस हिम्मत नहीं हारना। जिंदगी में यही सीखा मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपको मना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आप हिम्मत रखो अपने अंदर और आगे बढ़ते चलो। लेकिन उसने जो आगे लाइन बोली ना, वो सीधे दिल पे लग गई। क्या बोला उस मोहतरमा ने पता है? मैंने कहा कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल को पब्लिसाइज करना चाहता हूं, मेरी मदद करो। उन्होंने कहा कि वी आर ब्रांड, हम ब्रांड हैं, और कल को तुमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ भी एडल्ट कंटेंट डाल दिया या कुछ भी गलत डाल दिया तो हमारे ब्रांड पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा दिल टूट गया, अंदर से दर्द होने लगा कि यार ऐसा तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं कुछ बोला नहीं, गुस्सा बहुत आ रहा था, अंदर से यलगार पैदा हो गया था, आग लग गई थी, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। वो है यलगार का मूवमेंट, और अंदर से उस वक्त उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मैं अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, ए स्क्वायर ब्रांड बनाऊंगा। लोग बहुत पूछते हैं, चैट सेक्शन में लिख रहे थे, ए स्क्वायर ब्रांड अरविंद अरोड़ा को कौन जानता है? अरे आज नहीं जानते हो तुम, कल जानोगे।